दोस्तों एनडीपीएस के केसेस में अक्सर देखा गया है कि अफीम हो, गांजा हो या कोई भी ऐसे पदार्थ जो नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, ऐसे मामलों में जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो ऐसे बंदे के पास से जो भी कोई बरामदगी की सामग्री होती है, मतलब कि जो भी कोई रिकवरी क्वांटिटी जो भी होती है, वो डिपेंड करता है कि स्मॉल है, इंटरमीडिएट है या फिर कमर्शियल है। कमर्शियल क्वांटिटी है, आपकी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। स्मॉल है तो इजीली बिल मिल सकती है, बट स्मॉल से ऊपर चला जाता है मामला अगर, तो प्रॉब्लम है ही आपके लिए। एनडीपीएस एक्ट जो कि आया 1985 में, जो रोकथाम के लिए बनाया गया, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं उन सभी के रोकथाम के लिए इस कानून को बनाया गया था। इस कानून में बहुत सारी बातें भी की गई कि किस किस तरह से किसको कितनी सजा मिलेगी, कितना फाइन होगा और दूसरी बार पकड़े जाने पर कितनी सजा होगी। हालांकि हमने अलग अलग तरह के जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है काफ़ी कुछ उनके बारे में, पर अभी अफीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा कितनी क्वांटिटी कमर्शियल है, कितनी स्मॉल है और कितने सेक्शंस में इसमें आपको दंड दिया जा सकता है, साथ में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं एनडीपीएस एक्ट के जो आपको बताएंगे कि अफीम के केसेस को कैसे लड़ा जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए कराते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप में से किसी पर भी ऐसा कोई केस हुआ है जो अफीम में पकड़ा गया है, तो अफीम की पहले कमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और क्या है सजा का प्रावधान वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों वैसे देखा जाए तो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ओपीएम की बात करता है, अफीम की जो बात करता है, वो सेक्शन 15, 17, 18 और 19 में बात की जाती है। सेक्शन 15 की अगर हम बात करें तो पॉपी स्टॉक की बात की जाती है, जिसमें कि स्मॉल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो 1 किलो से नीचे की बात करता है और 1 किलो से ऊपर, 1 किलो या 1 किलो से ऊपर की जो क्वांटिटी है 50 किलो तक, वहां 50 किलो के मामला अगर टाप जाता है तो आपकी कमर्शियल क्वांटिटी बन जाती है। मतलब कि 50 किलो या 50 किलो से ज्यादा किसी के पास से बरामदगी हुई तो पॉपी स्टॉक में उसको कमर्शियल क्वांटिटी में बुक कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अफीम की। मैं अफीम की फिलहाल बात कर रहा हूं, प्रिपेयर्ड अफीम, मॉर्फिन भी इसको आप बोलते हैं, जिसमें कि 5 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, मतलब कि 5 ग्राम तो हुई इसकी स्मॉल क्वांटिटी और 250 ग्राम जो क्वांटिटी होती है वो इसकी होती है कमर्शियल क्वांटिटी। 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम या 250 ग्राम से ज़्यादा की अगर क्वांटिटी हुई तो यहाँ पर मॉर्फिन के अंदर कमर्शियल क्वांटिटी में केस दर्ज हो जाता है, जो सेक्शन 17 बोलता है, जिसके अंदर और सजा का प्रावधान भी बताया गया है। अफीम पोस्ट की खेती की बात करें, अफीम पोस्ट की खेती कैसे होती है, उत्पादन कैसे होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो सेक्शन 18 के तहत वो केस चलता है। या फिर मान लीजिए सेक्शन हम 19 की बात करें, जो खेती करते हैं लोग, अफीम की खेती भी होती है बहुत जगह पर, जैसे कि हम बात करें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बात करें, यूपी में बात करें, तो राजस्थान में हम बात चित्तौड़ की बात कर लें या फिर हम बात कर लें मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कुछ जगह है वहाँ पर की जाती है खेती, या फिर यूपी की बात कर लें पीलीभीत की साइड, वहाँ खेती की जाती है। तो ऐसे लोग जो खेती करते हैं, खेती करने वाले भी गड़बड़ अगर करते हैं, क्योंकि ये लोग सरकार को जब बेचते हैं तो सरकार को बेचने में बेशक थोड़ा पैसा कम मिलता है, जब ब्लैक में बेचते हैं पैसा बहुत मिलता है, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करने का प्रावधान मेंशन है। अब दोस्तों अफीम के जो मामले हमारे सामने आते हैं, अच्छा जो सवाल आप पूछते हैं, 25 ग्राम से कम में स्मॉल क्वांटिटी में कंसिडर किया जाएगा और 25 ग्राम से ऊपर 2.5 किलो तक इंटरमीडिएट का मामला आता है, और जैसे ही 2.5 किलो या 2.5 किलो से ज़्यादा का मामला आता है तो कमर्शियल क्वांटिटी में ये केस बन जाता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जेल की बात करें, ये 10 साल से लेकर 20 साल तक के बीच में सजा हो सकती है, 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर जैसे कई बार आपने देखा होगा अफीम किसी के पास 10 किलो मिल गई, 20 किलो, 15 किलो, 17 किलो ऐसे मिलती हैं, तो ऐसे मामलों में ये डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर, वो चाहे तो इसके अंदर पेनल्टी बढ़ा भी सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा भी पेनल्टी की जा सकती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या बोलता है सेक्शन 17, जिसमें पनिशमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं, पनिशमेंट प्रिपेयर्ड ओपीएम की बात यहाँ पर की जाती है। सेक्शन 17 में जो पनिशमेंट की बात की गई उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोलता है, बोलता है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में क्या बोलते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी आपको, जो टर्म हो सकती है 1 साल तक की, फाइन भी लगाया जा सकता है जो 10,000 तक का होता है, प्लस स्मॉल क्वांटिटी में ये पनिशमेंट दी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट में क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट में बोलते हैं कि कॉन्ट्रवेंशन जो इन्वॉल्व होता है क्वांटिटी,
लेस देन कमर्शियल, जो कमर्शियल से तो कम है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में बोलते हैं, बी पॉइंट में, जिसमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी की बात की जा रही है, जिसके अंदर ये बोलते हैं जो कंट्रावेंशन इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, क्वांटिटी लेसर देन कमर्शियल, जो कमर्शियल से कम होता है क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, और जो स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर है उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है, जो एक्सटेंड हो सकता है 10 साल तक, और फाइन हो सकता है जो कि 1,00,000 तक का फाइन किया जा सकता है अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी आपके पास से मिलती है। 2.5 किलो तक की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मिलती है तो ऐसा प्रावधान हो सकता है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में बोलता है ये कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास से मिलती है, वेयर द कंट्रावेंशन इन्वॉल्व्स कमर्शियल क्वांटिटी, अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी बन जाता है तो विद द रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में टर्म शैल नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम की सजा नहीं होगी। और आगे बोलता है जो कि 20 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और यहाँ पर फाइन भी लगाया जा सकता है जो कि 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा, एक्सटेंड किया जा सकता है 2,00,000 तक। और प्रोविजो इसका ये बोलता है कि अगर जज साहब चाहें तो 2,00,000 से ज्यादा भी आप पर फाइन लगा सकते हैं। तो जो सेक्शन 17 है उसमें पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो मैंने आपको बताया। हालांकि जो सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 बात करता है प्रिपेयर्ड ओपीएम की, प्रिपेयर्ड जो अफीम होती है उसकी बात करता है, बट सजा के प्रावधान दोस्तों यही है, आपको समझना होगा। 20 साल तक कैद हो सकती है, 2,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और 2,00,000 से ज्यादा भी हो सकता है अगर कमर्शियल क्वांटिटी से भी ऊपर आप चले जाते हैं। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, बेल लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए किसी भी एक्सपर्ट से आपको मिलना होगा, एडवाइस लेनी होगी, और केस में क्या क्या लूप पॉइंट्स बन सकते हैं उन लूप पॉइंट्स को भी आपको समझना होगा। और दोस्तों जो ये मादक पदार्थ जो बनाए जाते हैं, हालांकि जो जमीनें मिलती हैं खेती करने के लिए किसानों को, वहीं से काफ़ी चीज़ देखा जाए, सबसे बड़ा सप्लायर अगर हम बात करते हैं अफीम का भी तो ये अफगानिस्तान है। अपने देश में भी देखा जाए, जिसमें बताया गया एनडीबीएस एक्ट में बताते हैं कि कैनेबिस एम्प में चरस गांजा की बात बताई गई कि जो इसके अंदर मेंशन है। और उसमें बात करें जो पौधे जो आते हैं, पौधे में जैसे कि हम कैनेबिस के पौधे की हम लोग बात करें, कोका के पौधे की बात करें, या फिर पेपेवर सोमिनीफेरम की हम बात करें, ये सभी जो पौधे हैं इनसे ही ये मादक पदार्थ बनते हैं, लोग बनाते हैं, और साथ में ही अलग अलग तरह से बनाकर सप्लाई की जाती है, अलग अलग तरह से ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। सरकार जो किसी को भी लैंड देती है वहाँ पर उत्पादन करने के लिए, वहाँ पर खेती करने के लिए, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि इतना कम से कम चाहिए ही, और उतना अगर आप नहीं देते हैं तो बाद में इनके लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए जाते हैं दोस्तों। हालांकि बहुत तरह के सवाल आप लोगों के दिल में होते हैं जब आपको पकड़ा जाता है, या फिर आपके किसी भी जानकार सगे संबंधी को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपके दिल में सवाल होते हैं। पर मैं बता दूं दोस्तों, एनडीपीएस केस में जल्दी से बेल मिलती नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और आपके दिल में दोस्तों कोई भी सवाल है अफीम के केस को लेकर, कितनी क्वांटिटी में बरामदगी हुई, कहां से बरामदगी हुई, कैसे अरेस्ट किया, ये सब हम बिना एफआईआर को पढ़ के आपको नहीं बता सकते। अगर चार्जशीट लग गई है तो चार्जशीट भी भेजें, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें आपके उस व्यक्ति को जेल से निकलवाने में जो जेल में बंद है बहुत लंबे वक्त से। दोस्तों कोई भी किसी तरह का सजेशन है या सलाह चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।